खबर जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके से, जहां पुलिस ने अवैध शराब के बड़े जखीरे को पकड़ा। पुलिस ने इस कार्रवाई में कार से 30 पेटी अवैध शराब के जब्त कर दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया। और पुलिस सूत्रों की अगर माने तो मुखबिर से सूचना बरामद थी कि सीकर की तरफ से कार में दो युवक शराब का जखीरा लेकर जयपुर जा रहे थे, और इसके बाद पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी करवाई और कार को रुकवा कर तलाशी ली गई। इसी दौरान कार से शराब की पेटियां भी बरामद की गई, और फिलहाल पुलिस इन सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।